अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तहमीना विलेज व्लॉग। तो मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्लाह पाक का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है काफ़ी अच्छी होने वाली है। आप तो आज जो है ना माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाने वाली हूँ। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो जो है चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। चलती हूँ। मैं बीफ और कढ़ाई में बना रही हूँ, बीफ कढ़ाई बना रही हूँ। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और शेयर तो बहुत ज़्यादा करना है। तो ये देखें, मैंने जो है ना ये बीफ के लिए जो है पानी इस कढ़ाई में डाल के रख खड़ा दिया है। आज जो है ना मैं चूल्हे पर रेसिपी बना रही हूँ। मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को जो है ना आज इस चूल्हे पे रेसिपी बना के दिखाऊं कि मैं इस चूल्हे पे भी आग जलाती हूँ, क्योंकि लकड़ियाँ जो है ना हमारे गांव में लकड़ियों की बहुत ज़्यादा जो है ना कमी है। क्योंकि तो पानी जो है ना मैंने डाल दिया, बीफ लेके आती हूँ, बीफ भी डालती हूँ। अपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो ये देखें, ये बीफ जो है ना मैंने अच्छी तरह से इसे धो ली है। तो पानी भी ये देख सकते हैं बॉयल हो रहा है। तो अब जो है ना मैं बीफ को अब डाल रही हूँ पानी में। तो ये देखिए माशाल्लाह ये बीफ जो है ना मैंने डाल दिया है पानी में। तो ये देखें, ये जो है ना बीफ को अब जो है ना उबाला आ गया है, आप देख सकते हैं। तो अब जो है मैं इसे ढक के खड़ा देती हूँ और फिर जो है ना और मिसाले तैयार कर लेती हूँ। ये देखें, मैंने इसे ढक के खड़ा दिया। प्याज वगैरह जो है ना अब मैं वो भी काट लेती हूँ और मिसाले भी अब इकट्ठे कर लेती हूँ। तो अब जो है ना ये देखें, मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। तो सबसे पहले जो है ना प्याज काटूंगी। प्याज काट के पहले जो है ना प्याज डालेंगे। तो अब प्याज जो है ना मैं छील रही हूँ। तो ये देखें, प्याज जो है ना मैंने छील रही है। अब जो है मैंने काट रही हूँ बारीक बारीक करके। तो प्याज जो है ना मैंने काट लिया है और अच्छी तरह से प्याजों को धो भी लिया है। तो अब जो है ये देखिए, ये मैं ढक्कन उतार रही हूँ। तो ढक्कन जो है ना मैंने उतार दिया, ये देखिए माशाल्लाह। तो अब जो है मैं प्याज डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब जो है टमाटर भी साथ में काट के डाल देती हूँ। तो ये देखें, ये टमाटर जो है ना मैंने काट दिए हैं। तो अब टमाटर मैं डाल रही हूँ। टमाटर भी डाल दिए हैं और अब जो है ये देखें, ये अदरक और खुश्क लहसुन जो है ना इन्हें पीस के ये भी डाल रही हूँ। और साथ में जो है ना ये खुश्क धनिया ये भी पीस के साथ में डाल देती हूँ। तो ये देखें, ये खुश्क लहसुन और अदरक और खुश्क धनिया जो है ना मैंने पीस लिए हैं और अब ये भी डाल रही हूँ।
अब जाना इसे हिला देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो अब जो है ना मिसाले डाल रही हूँ, ये देखिए ये है नमक, तो ये देखिए ये आधी चम्मच जो है ना ये मैं नमक मैंने डाला है, और आधी चम्मच जो है ना ये हल्दी डाल रही हूँ। और ये हो गई लाल मिर्च, तो ये देखिए ये एक चम्मच हो गई, और थोड़ी सी जो है ना और भी डाल देती हूँ। तो अब जो है इसे हिला देते हैं अच्छी तरह से, मसाले जो है ना मिक्स हो जाए। तो अब जो है ना इसे ढक के कढ़ा देती हूँ, और अच्छी तरह से ये बॉयल हो जाए सारे मसाले भी, और मिक्स हो जाए, और बीफ भी बॉयल हो जाए, प्याज टमाटर जो मैंने डाले हैं ना वो भी बॉयल हो जाए। और फिर जो है मैं आलू काट लेती हूँ, क्योंकि मैं आलू भी इसमें डाल रही हूँ ना। ये देखें ये आलू, तो आलू भी मैं डाल रही हूँ। तो माशाल्लाह ये देखें ये पानी जो है ना अच्छी तरह से खुश्क हो गया है, तो हमारा बीफ भी बॉयल हो गया है। और अब जो है ना मैं घी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए 2 चम्मच जो है ना मैंने घी के डाल दिए हैं। तो अब जो है ना अच्छी तरह से इसे तिड़का लगाऊंगी। तिड़का लगा के फिर जो है ना ये मैं आलू डाल दूंगी। आलू को जो है ना मैंने काट के रख दिया है। और ये देखिए ये है सब्ज़ लहसुन, और इसे भी मैंने अच्छी तरह से धो के ना काट के रख दिया है। तो ये भी अभी साथ में डाल देती हूँ। तो माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप लस्सी का कलर बहुत ही प्यारा नजर आ रहा है। तो अब जो है ना तिड़का मैंने लगा लिया है अच्छी तरह से, तो अब जो है मैं आलू डाल रही हूँ। तो ये देखिए आलू जो है ना मैंने आलू भी डाल दिए हैं, तो अच्छी तरह से इनको तिड़का लग जाए। फिर जो है ना थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए आलू। फिर जो है शोरबे के लिए पानी भी डालूंगी, फिर हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी माशाल्लाह। आज जो है ना बीफ कढ़ाई मैंने बनाई है, जिंदगी में पहली बार बीफ कढ़ाई मैंने बनाई है। तो ये देखिए अच्छी तरह से जो है ना आलू को मैंने तिड़का लगा लिया। अब मैं पानी डालती हूँ। तो ये देखें ये पानी जो है ना मैंने इतना सा डाल दिया है, तो अब आलू जो है ना वो अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। तो अब जो है ये सब्ज़ मिर्ची है जो ना ये मैं इन्हें भी ये ऐसे जो है ना काट के दरमियान से काट के ना फिर डालूंगी। तो ये देखिए तो ये देखे माशाल्लाह आलू जो है ना बॉयल हो गई है, और हमारा सालन भी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। शोरबा भी मैंने ये देखे बना लिया है। तो अब जो है ना ये देखें ये है गरम मसाला, तो ये भी अब मैं डाल रही हूँ। तो गरम मसाला जो है ना मैंने डाल दिए हैं, और अब जो है ये देखे ये सब धनिए जो मैंने काट के रख दिए थी, और ये भी मैंने डाल दी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।